أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Instead of you here, I hope you are all fine by the grace of Allah subhanahu wa ta'ala. Now beta, I am gonna start my second lesson, which is about operation onset. In previous lesson, I have explained operation onset. And in this lesson, we will solve some of them. First one operation is union of sets. In this operation, we make one set of two or more sets, but we do not mention any element twice. हम दो या दो से ज़्यादा सेट का यूनियन फाइंड आउट करते हुए उन्हें एक सेट बनाते हैं और किसी भी एलिमेंट को रिपीट नहीं करते. Got my point? Now, the second operation of set is intersection of sets. In this operation, we make a set of only common element of given sets. Means, इस operation में हम सिर्फ question में दिए गए sets के common elements का sets बनाते हैं और बाकी elements को नहीं लिखते. यानी दोनों के common elements का हम एक set बना देंगे और uncommon को छोड़ देंगे. Now beta, we will solve question number 8 part A. In this question, we have some sets, universal set, set A, set B and set C. And we will find part 1, A union B union C. सबसे पहले बेटा हम अपने question को rewrite करेंगे. A union B यूनियन सी. देन अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप अपने सेट्स को अरेंज करेंगे. राइट सेट ए विच हैज़ टू एलिमेंट 1 and 3. देन पुट द सिंबल ऑफ यूनियन. देन सेट बी 2 and 4. Then put the symbol of union. Then set C, which has only one element, 5. Union means collect all the sets in a single set. तो हम क्या करेंगे, इस तमाम sets के एक set बना देंगे. 1, 2, 3, 4, 5. This is the answer of A union B union C. Now beta, the second part of this question is A union B intersection C. According to the mathematics rule, we will solve bracket first. Mathematics ke rule ke according beta, hum sabse pehle bracket ke andar maujood sets ko solve karenge. Means hum pehle A union B find out karenge. A union B. Now, the set A is 1, 3, union B. B is 2 and 4. And the A union B is 1, 2, 3, 4. और अब हम इस ब्रैकेट का इंटरसेक्शन सी के साथ फाइंड आउट करेंगे. ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी मींस हम यहाँ पर चूंकि हम इसका यूनियन फाइंड आउट कर चुके हैं तो इसलिए हम इसके आंसर को दोबारा जो है यहाँ पर फाइंड आउट नहीं करेंगे, बल्कि यही आंसर हम यहाँ पर मेंशन कर देंगे. 1, 2, 3, 4. Then intersection, then set C, which has only one element, 5. Now beta, there is no any common element in both set, and in intersection we select only common elements. क्योंकि इन सेट्स में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है
ठीक है, तो इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, जस्ट एम्प्टी सेट। द सेकेंड टॉपिक इज वेन डायग्राम। वॉट इज वेन डायग्राम? वेन डायग्राम इज अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। मीन्स सेट्स को हम जब पिक्चर से रिप्रेजेंट करते हैं तो वो क्या है, वेन डायग्राम। वेन डायग्राम इज क्रिएटेड बाय अ मैथमेटिशियन जॉन वेन इन 1880 और इन्हीं के नेम की वजह से ये वेन डायग्राम्स कहलाती हैं। इट शोज ऑल पॉसिबल रिलेशन बिटवीन अ सर्टेन नंबर ऑफ सेट्स इन अ कलेक्शन। जॉन वेन एक मैथमेटिशियन थे, उन्होंने सेट्स को पिक्चर के थ्रू रिप्रेजेंट किया था, इसीलिए इस डायग्राम को हम वेन डायग्राम कहते हैं। नाउ बेटा, वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 8B ऑफ एक्सरसाइज 1, पेज नंबर 19। इन दिस क्वेश्चन वी हैव यूनिवर्सल सेट, सेट ए, सेट बी एंड सेट सी, एंड द क्वेश्चन इज ड्रॉ अ वेन डायग्राम। इन दिस डायग्राम वी यूज रेक्टेंगल शेप फॉर यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए बेटा हम एक रेक्टेंगल शेप बनाते हैं। लुक एट दिस बेटा, रेक्टेंगल शेप रिप्रेजेंट यूनिवर्सल सेट, तो हम यहाँ पर यूनिवर्सल सेट का यू मेंशन करेंगे और इस यूनिवर्सल सेट के अंदर हमारे सब सेट्स होंगे, सेट ए, सेट बी, सेट सी, और उसके लिए हम सर्कल शेप बनाते हैं लाइक दिस बेटा, सेट ए, सेट बी, एंड सेट सी। सेट ए हैज 1, 3 एंड 2 हैज 2, 4 एंड सी हैज 5। रेक्टेंगल शेप किसको रिप्रेजेंट कर रही है, यूनिवर्सल सेट को, और सर्कल शेप रिप्रेजेंट कर रही है हमारे सब सेट्स को, यानी सेट ए, सेट बी एंड सेट सी, जिसके एलिमेंट्स हमने यहाँ मेंशन कर दिए। देन ए यूनियन बी यूनियन सी, यूनियन मींस कंबाइन ऑफ ऑल सेट। तो जब आप इसको कंबाइन करेंगे तो हम अब इसमें, अब जब इसका आंसर होगा बेटा तो वो तमाम एलिमेंट्स होंगे 1, 2, 3, 4, 5, और हम अपने आंसर को शो करने के लिए शेड करते हैं अपने सर्कल्स पर लाइक दिस। आप इस तरह से अपने सर्कल्स को, मींस अपने आंसर को पेंसिल से शेड करेंगे या फिर कलर करेंगे। तो वेन डायग्राम में एक्चुअली जो आंसर हमारा मेंशन होता है वो इस शेड से होता है। अगर हम ये शेडिंग नहीं करेंगे तो हमें आंसर नहीं पता चलेगा, ठीक है, तो इसीलिए हम इसके आंसर को शेडिंग करते हैं। थर्ड टॉपिक इज डी मॉर्गन्स लॉज। डी मॉर्गन वॉज अ ब्रिटिश मैथमेटिशियन, ही फॉर्मुलेटेड 2 लॉज अबाउट ऑपरेशन ऑन सेट्स। बेटा डी मॉर्गन एक ब्रिटिश मैथमेटिशियन थे, उन्होंने ऑपरेशन ऑन सेट्स के 2 लॉज हमें बताए थे जो कि आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं। नाउ वी विल प्रूव दीस। हाउ मेनी डी मॉर्गन लॉज? 2 लॉज। एंड नाउ वी विल सॉल्व फर्स्ट वन। मैं आपको फर्स्ट वन सॉल्व करवाऊंगी, सेकंड लॉ आप खुद सॉल्व करेंगे। फर्स्ट लॉ सेज दैट यूनियन ऑफ 2 कॉम्प्लीमेंट्स इज इक्वल टू इंटरसेक्शन ऑफ होल कॉम्प्लीमेंट। मीन्स बेटा अगर हम 2 सेट का कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करके फिर उनका यूनियन फाइंड आउट करें, या फिर 2 सेट का इंटरसेक्शन फाइंड आउट करने के बाद उसका होल कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करें, दोनों कंडीशन में आंसर बिल्कुल सेम होगा। लेट्स चेक इट। फर्स्टली वी विल सॉल्व लेफ्ट हैंड साइड, एंड द लेफ्ट हैंड साइड इज A union B complement।
सबसे पहले बेटा हम ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करेंगे. तो ए कॉम्प्लीमेंट इज यूनिवर्सल माइनस ए, एंड द यूनिवर्सल सेट इज 1, 2, 3, 4, 5. देन द साइन ऑफ सब्ट्रैक्शन, देन सेट ऑफ ए 1 and 3. द आंसर ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इज 1 and 3 हम माइनस कर देंगे 2, 4, 5. Now we will solve B complement. And the B complement is universal set minus B. Universal set is 1, 2, 3, 4, 5. Then sign of subtraction, then set of B 2, 4. And the answer of B complement is 2 and 4 हमने माइनस किए 1, 3, 5. Now we will find the union of A complement and B complement. A complement union B complement. A complement is 2, 4, 5 union, and B complement is 1, 3, 5, and the answer of A complement union B complement is 1, 2, 3, 4, and 5. This is the answer of left hand side. Now beta, we will solve right hand side. And the right hand side is A intersection B whole complement. Firstly, we will find A intersection B. A intersection B is equal to set of A 1 and 3 intersection set of B 2 and 4, and the answer is empty set because there is no any common element. Now we will find the whole complement of A intersection B. A intersection B whole complement. And the formula is universal minus A intersection B. The universal set is 1, 2, 3, 4, 5. Sign of subtraction, and the A complement B is empty set. The answer is 1, 2, 3, 4, 5. Now, it is proof that beta left hand side is equal to right hand side. You can see left hand side is equal to right hand side, and left hand side is A complement union B complement, and right hand side is A intersection B whole complement. Proved. Let's start your work. Now you have to solve question number 8, part A, B, C. Alhamdulillah, we have completed our second lesson. Take care of yourself and your family. Allah Hafiz.